आपने 14 में यूपी वालों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में फिर से पाकिस्तान ने हमला किया, मगर वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मित्रों, सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैनपुरी वालों, मैं मोदी गारंटी बताने आया हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम करेंगे। तीसरे भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में इस देश के गरीब, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मैं आपको बताने आया हूं, देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 29 तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मिलता रहेगा। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, और 3 करोड़ घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। और मैनपुरी वालों, बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? हाथ ऊपर कर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 4 आना भी खर्चा हुआ है क्या? हुआ है? ऊपर से चाय पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया ना भाई। अबे अखिलेश बाबू कहते थे, ये तो मोदी का टीका है, मत लगाइयो, ये तो अच्छा है, इनकी कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने टीका लगाया। एक दिन डिंपल भाभी को लेकर रात को खुद भी टीका लगाए। अरे अखिलेश बाबू, कोरोना जैसी महामारी में आप राजनीति करते हो, शर्म करो, शर्म करो, लोगों की चिंता करो। अरे वो करे कि न करे, हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है कि हम यादवों के खैर ख्वाह हैं। मैं आज यहां पर मैनपुरी की धरती पर बताने आया हूं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने? उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना, उनके निधन के बाद सांसद उनकी बहू बनी, उसके बाद इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहा है। मैं आज अखिलेश जी को पूछने आया हूं, अखिलेश जी और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? एक कैसा आपका यादव प्रेम है भाई, जो कुछ भी है अपने कुनबे में डालो। अरे ये किसी के नहीं है, अपनी सोते हैं, समय आ गया है ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी में कमल खिलाने का समय आ गया है। भाइयों भाई, यहां वो कहते हैं
कि हम पिछड़ा समाज के हामी हैं। मैं आज मैनपुरी की जनता को बताना चाहता हूं, बाबूजी कल्याण सिंह से ये बड़ा पिछड़ा समाज का नेता कौन होता है? कौन होता है बताइए? कोई नहीं होता। 500 मीटर दूर जाना था, आप नहीं गए, और अंसारी के वहां 500 किलोमीटर गाड़ी चलाकर गए। क्या आप खाक पिछड़ा समाज का नेतृत्व करेंगे? भाई और बहनों, ये किसी के नहीं है, अपनी वोट बैंक के है। और मैं मैनपुरी में कह कर जाता हूं, डर मत रखना, कोई अगर छेड़खानी करेगा तो चुनाव आयोग उसको उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। चिंता करने की जरूरत, इन लोगों को आदत पड़ी है सपा के गुंडों से बूट लुटवाने की, मगर इस बार हमने जयवीर सिंह को लड़ाया है, संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भाई और बहनों, इनके शासन में समग्र यूपी में गुंडों का राज था, समग्र यूपी में गरीबों की जमीन कब्जाते थे, कट्टे लेकर गोलियां चलाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थोड़ा कम हुआ, 17 में आपने भाजपा को जिताया, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। भाई और बहनों, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को समग्र देश में सबसे अच्छा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाई और बहनों, पहले यहां कट्टे बनाने का उद्योग चलता था, अब डिफेंस कॉरिडोर चल रहा है। पहले वाहन चोरी करने का काम चल रहा था, अब वाहन बनाने का काम चल रहा है। पहले चेन स्नेचिंग करने का काम चलता था, अब यहां पर मेडिकल डिवाइस बनने के कारखाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने बदलने का काम किया है। अखिलेश जी, मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार पश्चिम से एक हवा चली है, वो भारतीय जनता पार्टी की चली है। पश्चिम से चली हुई हवा वाया मैनपुरी आजमगढ़ तक सब जगह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी, साफ कर देगी। भाई और बहनों, मैनपुरी में जसवंत नगर इटावा व सिकोहाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने का काम मोदी जी ने किया। ओरैया इटावा राजमार्ग का चौड़ीकरण करा, अमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास और संपर्क मार्ग के निर्माण किए, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मयन ऋषि के आश्रम और कुंड का जीर्णोद्धार करा, समान पक्षी विहार का विस्तार किया। 180 करोड़ से पर्यटन विभाग ने 180 करोड़ से अलग अलग योजनाएं दी, ग्रामीण आवास 24,000 आवास बनाए, 5,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया, 72,00,000 लोगों को यूपी में गैस का कनेक्शन दिया, 32,00,000 सिर्फ मैनपुरी में गरीब कल्याण अन्न योजना करी, जल जीवन मिशन से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 85,00,000 घरों में शौचालय बनाया और 73,000 किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मैं आज कहता हूं, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, पहले 2 एयरपोर्ट थे, 9 बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनाने का काम चालू है, पहले एक भी मेट्रो नहीं थी, 12 शहरों में मेट्रो का काम चालू है और 5 में मेट्रो चल रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है,
30 नहर परियोजनाओं से 23 लाख हेक्टर भूमि को सिंचित करने का काम किया है। 68 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 22 बनने वाले हैं और लगभग मेडिकल डिवाइस पार्क, ग्रेटर नोएडा में IIT, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी और गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बनाकर उद्योग को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, मिलने वाला नहीं है किसी को बहुमत। मोदी जी 400 पार करने वाले, शायद इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई? ये देश को कौन चलाएगा? ये देश को सुरक्षित कौन करेगा? अर्थतंत्र को आगे कौन बढ़ाएगा? क्या ममता जी, क्या शरद पवार जी, क्या फेल हो गए यूपी में ऐसे अखिलेश जी या राहुल बाबा, कोई चला सकता है? अरे एक एक साल चलाए तो भी नहीं चला सकता है, देश कौन चला सकता है? जोर से बोलो, देश कौन चला सकता है?